हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बहुत दिनों बाद मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। तो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैंने इतने देर से वीडियो क्यों नहीं डाली थी इतने दिनों से। कि गाइस, वो आंसर था कि मैं अपना गेम प्ले थोड़ा सा सुधार रहा था, और मेरे को अपना थोड़ा बहुत गेम प्ले भी और कलेक्शन दोनों ही सुधारना था। ठीक है, यही मैंने इसीलिए मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला था और ऑफलाइन हो गया था। ठीक है, एंड गाइस, अभी मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूँ। तो गाइस, आप मेरी आईडी में थोड़े बहुत चेंजेस तो देख ही रहे होंगे, है ना? जैसे कि पैट्स, ये जर्सी मेरे पास कहाँ से आई, जस्ट पैंट कहाँ से आई, इन सब के क्वेश्चंस भी मैं आपको आज दूंगा। ठीक है गाइस, लेकिन अगर मैंने आज ही नहीं दे पाया तो फिर कभी तो दे दूंगा। ठीक है गाइस, अभी आप मेरा थोड़ा बहुत कलेक्शन देख रहे हो जो मैंने इम्प्रूव किया है। गाड़ी वाड़ी की स्किन मैंने आपको दिखा दी, और सबसे पहले अपन लोग अपने मैं आज इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ मेरे गिल्ड से और मेरे कुछ दोस्तों से। देखो, तो ये है ग्रैंड मास्टर वाले बंदे की गिल्ड में, जिसका चैनल भी है टप्पू गेमिंग नाम से। ओके गाइस, अब मैं आपको दूसरा बंदा भी दिखाता हूँ। ये यश गेमर दूसरा बंदा है, बॉट है। ठीक है, इस आईडी से। ओके गाइस, देखो ये आईसीएन केशू, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा बंदा है। ओके गाइस, ये रिक जा चुका है पहले, और बाकी के मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, बहुत प्रो प्रो बंदे हैं। तो गाइस, अभी ना आप मेरा गिल्ड देख सकते हो कि जैसे कि इस गिल्ड में सबसे पहला जो मैं आता हूँ गिल्ड लीडर, जो कि मैं हूँ। और उसके बाद देखो, आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो। मेरी गिल्ड की जो ग्लोरी है अभी ना, वो 5,000 होने ही वाली, वो तो मैं कर लूँगा कैसे भी करके। एंड गाइस, अगर आपको ये देखना है कि मैं इस आईडी में, इस गिल्ड में कस्टम मिलते हैं या नहीं, वो मैं आपको आके दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग आके अपने बंदों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक है ए जिसके पास आलोक है, दूसरा है नान जो कि मेरा दोस्त है। अच्छा सा मैंने इसको एक आईडी गिफ्ट कर रखी है, लेकिन वो उससे खेल लेता है कभी कभी। एंड उसके बाद आता है प्रोफान, ये मेरा भाई है छोटा सा, और ये इसको मैंने एक्टिंग लीड बना के रखा है। ओके गाइस, एंड उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसकी प्रोफाइल देखो, इसने क्यूपिड व्यूपिड ले रखे है, एक लाइट पास ले रखा है, बाकी कुछ नहीं। ओके गाइस, देन अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ अपने दूसरे बंदे से। ठीक है, अभी देखो, इसने ना हमारा इलाइट पास फ्लाइट पास एक ही ले रखा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा बंदा आता है वो है नोबिता वाइटी। इसके पास सीजन 10 की और सीजन 9 की गोल्ड टी शर्ट है, और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है। लो एंड डिवाइस में खेलता है, लेकिन फिर भी इसका गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काबिल तारीफ। और ये ज़्यादातर रात को ही खेलता है, 10 बजे से 12 बजे तक। अगर आप कोई इससे इंट्रोड्यूस को करवा सकते हो, आप कभी भी इससे रिक्वेस्ट दे देना, ये आपके एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है गाइस, आपने ये सब देख लिया तो, और ये जल्दी से हेरे पहुँच जाएगा। दूसरा बंदा है वॉरियर वाइटी, जिसके पास सीजन 10 की गोल्ड टी शर्ट है। एंड गाइस, इसके पास जस्ट पैंट नहीं है, बट इसके पास आलोक है। ये ज़्यादा गेम खेलता नहीं है, बट खेल लेता है अच्छा खासा ये गेम, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसका गेम प्ले भी है। ठीक है गाइस, और ये जो है, ये नोबिता वाइटी का दोस्त है, जो नोबिता ने ले रखा है। ठीक है गाइस, और ये ज़्यादातर नहीं खेलता, पहले बहुत ज़्यादा खेलता था, लेकिन अब थोड़ा खेलना इसने कम कर दिया है। और दूसरा बंदा आता है हमारा आनंद। ओके गाइस, ये 17 घंटे पहले ऑनलाइन था, और आप देख सकते हैं अभी इसका ये बंडल है, ये बोट है थोड़ा सा, लेकिन उसको इग्नोर मारना। ये इससे पहले सीजन में सीएस रैंक के हीरे पहुंच चुका, और अब भी ये सीएस रैंक में पुश कर रहा है, भले इससे होती नहीं है बट फिर भी ये करता है। एंड गाइस, उसके बाद हम लोग आपसे बात करने वाले हैं कि ना गिल्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है। ठीक है गाइस, गिल्ड की रिक्वायरमेंट्स अभी तक कोई भी मैंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, बस एक ही रिक्वायरमेंट है जो कि आप लोगों को डेली ऑनलाइन आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप डेली ऑनलाइन नहीं आओगे तो शायद से मैं आपको किक कर सकता हूँ। आपके पास होंगे पूरा एक दिन, जैसे ही आपके 2 दिन हो जाएंगे मैं आपको किक कर दूंगा, एक दिन तक तो नहीं करूँगा। हमारे गिल्ड में सारे के सारे एक्टिव प्लेयर्स हैं, 20 मेंबर्स हैं, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया मेंबर्स हैं, और उनके पास रेयर ड्रेसेस तो नहीं है भले ही, लेकिन नो टॉप अप के नाम पर काफ़ी ज़्यादा सही ड्रेसेस हैं। ठीक है, क्योंकि जिन बंदों को मैंने अभी तक लिया है वो ज़्यादा टॉपअप नहीं करते हैं। अगर आप ज़्यादा टॉपअप कर सकते हो तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि इस गिल्ड में टॉपअप नो टॉपअप एक समान है, बस उस बंदे का गेम प्ले अच्छा होना चाहिए। गेम प्ले मैटर करता है, लेवल और लाइक्स बिल्कुल नहीं। उसके बाद दूसरा बंदा जो आता है हमारा, उसका नाम है मनान अल्फा, ये हन्नान का दोस्त है, और ये
BGMI ज़्यादा खेलता है, बट फिर भी हमने इसे रख रखा है क्योंकि ये काफ़ी मरान का दोस्त है, तो मैं इसे निकाला नहीं जाता अभी, गिल्ड के इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं। ओके गाइस, और ये है RMG दानिश, 2 लाइट पास खरीद के अभी ये ज़्यादा गेम खेल नहीं रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसे किक कर दूँ। देखो ये CS रैंक में हेरोइक है, लेकिन अब मैं इसे गिल्ड से किक कर दूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसे बंदे जो 5 दिन अगो है वो हमारे गिल्ड में रहे। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गिल्ड में कस्टम नहीं मिल सकता क्योंकि गाइस अभी इतने ज़्यादा बंदे नहीं हुए हैं और ये ज़्यादा थोड़े बंदे कम खेलते हैं, इसलिए आप लोगों को इधर कस्टम तो नहीं मिल सक पाएगा। मगर गाइस गिल्ड इतनी भी बुरी नहीं है, गिल्ड के सारे मेंबर्स आपके अच्छे खासे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी अगर आपको अब्यूज़ करता है तो आप प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को कैसे भी करके कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर मैं ऑनलाइन लूँगा तो आप मेरे को बुला के भी बोल सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम मैं चलाता नहीं हूँ तो इसलिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। और मैं आपको बताने भी नहीं वाला कि इंस्टाग्राम है कौन, अभी मैंने ऐसे ही सेंड कर दिया है परफेक्शन। मैं गिल्ड ऐसे ही वर्ल्ड चैट पे करता रहा तो कहेंगे कुछ बंदे आए और वो हमारी गिल्ड में रहे। ओके गाइस अब ये देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, और गाइस अभी मैं आपको कुछ गिल्ड से हट के बात बताने वाला हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे पास वेगर पैट कहाँ से आ गया। आप यही सोच रहे होगे ना कि मेरे पास वेगर पैट कहाँ से आ गया, कि वेगर पैट गाइस मैंने जबर पास से खरीदा, 1500 सस्ते में मिल गया इसलिए मैंने खरीद लिया, वरना मेरे को 700 डायमंड का ये मिलता नहीं, 700 का तो नहीं, क्योंकि गाइस मेरे पास भी डिस्काउंट कूपन होते तो 699 से 599 तक तो मिल जाते, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता, इसलिए मैंने क्या दिमाग लगा है, जब दिवाली पास आया तब मैंने उसे खरीद लिया था आराम से। उसके बाद गाइस देखो क्या सीन है, उसके बाद जब आपने देख रखे होगा कि मेरे पास ये जर्सी और जैस पैंट कहाँ से आई है ना। गाइस देखो जर्सी और जैस पैंट जो मेरे पास आई है वो गाइस मैंने गिफ्ट ली लिए अपने भाई से, क्योंकि उसके पास आई थी 30 रुपीज़ की स्पेशल एयर ड्रॉप, तो मैंने उसे सिंपली परचेज कर लिया क्योंकि मेरे पास पहले से ही 30 रुपये का कोड भी था। ठीक है, और मेरे पास 10 रुपये ही थे लेकिन प्ले स्टोर पे, और मेरे अकाउंट में 20 रुपये का ऑफ भी आ रखा था, तो इसलिए मैंने ये जर्सी अपने आपको गिफ्ट कर ली क्योंकि मैं चाहता नहीं था अगर मेरा भाई वो खोल के देख लेता कि मेरे पास जर्सी आ गई है या फिर उसके पास डायमंड आ गए हैं तो वो बहुत तंग करता मेरे को, इसलिए गाइस मैंने क्या किया यही जर्सी से मैंने कर दिया। और अभी हम लोग बात करें जैस पैंट की, तो गाइस जैस पैंट सिंपल है, एयर ड्रॉप खरीदो और ले लो, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, जब मैंने लेवल पास खरीदा था तो मेरे को सस्ते में जैस पैंट भी मिल गई थी और उसके साथ मेरे को एक जूते भी मिल गए थे 20 डायमंड के, जो भी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मगर उससे पहले आप देख सकते हो ये वाइट निंजा फैंटम बियर कैसे कैसे चीज़ें मेरे पास हैं, वो भी ऑलमोस्ट मेरी ज़्यादातर चीज़ें फ्री में ही हैं। और ये वाले जूते जो 80 डायमंड के हैं ये ना मेरे को मिल गए थे नॉर्मली 100 डायमंड के 20 डायमंड में, तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया था, ये मेरे को सस्ते में सामान मिल गया, अपन को क्या, अपन के लिए बढ़िया था। तो गाइस अभी मैं आपको एक लुक बताता हूँ इस इधर मेरे को जो सबसे बढ़िया लगता है लुक, एक ये वाला लुक जो आप देख सकते हो कितना मस्त लगता है टॉप गेमर के साथ, उसके बाद ये वाला लुक, ये वाला भी लुक काफ़ी सही है लेकिन इतना मस्त नहीं, ये वाला लुक भी काफ़ी सही लगता है मेरे को। और उसके बाद जब हम लोग मेन लुक के बारे में बात करें तो ये मेरा है, लेकिन आजकल मैं ये वाला लुक यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपको अभी तक नोटिस नहीं किया तो ये नीली आँखें आप देख सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया है और ये वाली भी काफ़ी बढ़िया है। ठीक है गाइस, एंड गाइस बट आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, मेरे कलेक्शन में मैंने ज़्यादा कुछ उड़ाया नहीं है पैसा, और मैं उड़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को पता है इस गन स्किन लेके पैसे बर्बाद ही होने वाले, जो फ्री में मिलता है गन स्किन वही ले लो, क्योंकि मेरे को पता है कि एंड में जाके कभी ना कभी तो मेरे को गेम छोड़ना ही होगा, जैसे कि आजकल के लोग गेम छोड़ रहे हैं, मेरे को कभी ना कभी तो गेम छोड़ना ही होगा, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाऊँगा ना कभी उड़ाऊँगा, तो कहता हूँ कि ज़्यादा पैसे उड़ाऊँगा। ये सारे जो लोग आपको कहते हैं भाई टॉपअप कर लिया करो, एयर ड्रॉप खरीद लिया करो थोड़े मोटे, वो आप बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि जब 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 आप एयर ड्रॉप खरीदोगे तब भी पैसा तो आपके यहाँ से ही कट होगा है ना, तो उन 10-20 रुपये के अगर आप लोग कोई सामान खा लोगे तो आपको ही सही है यार, आपको आपको ही अच्छा लगेगा, दोस्तों पार्टी दे सकते हो ना, मगर गेम में पैसे उड़ा के क्या शो ऑफ ही होना है,
और वैसे गेम आपको कभी ना कभी क्यूट करना है। वैसे तो कुछ बंदे ऐसे भी कहेंगे कि भाई हमें तो कभी ना कभी लाइफ भी क्विट करनी है, तो आज ही क्विट कर दे। नहीं भाई, लाइफ और गेम दोनों अलग होते हैं। रियल लाइफ हम लोग को जी के बितानी होती है, और गेम सिर्फ कुछ घर टाइम पास है, एक जो आप टाइम पास खेलते हो। ठीक है गाइस, इसलिए मैं कभी भी किसी को नहीं कहता कि टॉप अप करो, ये करो, वो करो। आप बस गेम खेलो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ फन करो, और बस ऐसे ही अपना गेम खेलो। एंड गाइस, अभी मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ जिसके लिए मैंने टॉप अप किया था, वो है एक के करेक्टर। के करेक्टर इसलिए क्योंकि मेरे से हर एक जाना तो मेरे को, तो मेरे को ये के करेक्टर की ज़रूरत पड़ी थी। इसलिए देखो गाइस, मेरे पास प्रो भी है, लेवल पास, और मैंने मेंबरशिप खरीद रखी है, इसलिए मेरे पास ऑफ नहीं आया है। ठीक है गाइस, चलो ठीक है गाइस, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और उस बंदे को मैंने किक कर दिया जो 5 दिन से ऑनलाइन नहीं आया था। अगर इस बंदे को वापस गिल्ड ज्वाइन करना है तो ये वीडियो देख के ज्वाइन कर सकते हैं बिंदास। ओके गाइस, अगर आपको लीव भी करना है तो अभी आप बिंदास लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे को। और 5,000 ग्लोरी भी जल्दी होने वाली है, प्रेयर करना कि मेरी जल्दी से 5,000 ग्लोरी हो जाए। एंड गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले ये देख लो, मैंने इस बंदे को गिल्ड से किक करने वाला हूँ मैं। इधर मैं जल्दी से किक कर लेता हूँ इस बंदे को। ठीक है गाइस, ये जो बंदा है देखो ऑफलाइन है, और ये पट्टा सा किक है। ठीक है, आप ऑफलाइन मत होना है वरना मैं आपको भी किक कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ गेम खेलने क्योंकि मेरे को भी जाना है। कहाँ भाई, कहाँ जाना है मेरे को, 2 मिनट। हाँ, मेरे को जाना है ग्रैंड मास्टर, जो कोई हो नहीं पाएगा मगर फिर भी। चलो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।